क्या सोचा था? मुझे मारकर बच जाएगा? मुझे मारकर गिन गिन के हिसाब लूंगा, गिन गिन के। राम प्रताप सैनिक नाम है मेरा, समझा? लाया हूं मैं। ए, क्या रे, क्या जाला? क्यों चिल्ला रहा है? एक मिनट बता दो, एक मिनट बता दो। ये किसका ये? क्या है क्या ये? अरे क्या? अरे 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 किसका कंकाल है ये? किसका है? किसका कंकाल? मेरा कंकाल है ये, मेरा कंकाल है ये। क्या पागल हो गया तू? पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं। मेरा कंकाल है ये, मेरा खून हुआ था मेरा। मुझे इंसाफ चाहिए, तुम दिलाओगे इंसाफ? तुम दिलाओगे इंसाफ? तुम सब दिलाओगे इंसाफ? ठीक है, पानी लो। और मंगाओ? नहीं सर, वो क्या है ना, बहुत सारे अजीब केस देखे आज तक। डेड बॉडी से इतना डर नहीं लगा जितना इससे लगा है। वो पागल सीधा खोपड़ी और हड्डी लाके सामने रख दिया। मैंने उसे पूछा, मर्डर करने के बाद सीधा कंकाल लेके यहाँ पे आ गया क्या? तो फिर तो उसने सीधा अपना क्राइम कबूल कर लिया होगा। आप आगे बताइए। सॉरी सर, हड़बड़ आट में मेरे से पहले यही सवाल निकला। फिर मैंने सोचा कि किसी और की कबर खोद के उठा के लेके आया। वो बोला नहीं, ये उसका खुद का कंकाल है, 50 साल पुराना। उसका खुद का? हाँ मैडम, मुझे भी शॉक लगा। मुझे बोलता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में मेरे सर पे मार के मेरा मर्डर हुआ है। विरार के जंगल से खुद का कंकाल ढूंढ के लाया हूँ, 50 साल पुराना, और मुझे इंसाफ चाहिए। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो पसीना तो छूटेगा ना मैडम। वैसे उसे कस्टडी में रखा है, अब आप ही बताइए उसका क्या करूं? पता नहीं हमें क्यों हमेशा ऐसे अजीब केसेस के लिए बुलाया जाता है। केस सिंपल है दादू, ये आदमी पागल है। किसी की कब्र खोद कर कंकाल उठाकर लेकर आया होगा, उसे मेंटल असाइलम भेज दो, नहीं तो मुझे भेज दो। मैं उससे मिल सकती हूँ। अदिति, विक्रांत उसकी दिमागी हालत जैसी भी हो, अब यहाँ तक आ गया तो एक बार उससे बात करने में क्या हर्ज? अजीत हुसैन सर, सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए सर, मुझे घर जाना है सर। कैसा भी करके मुझे घर जाना है सर, मुझे निकालिए यहाँ से। क्यों बंद किया आपने मुझे? क्यों बंद किया बताइए? बिना बात के बात नहीं करने का, समझा? सर और मैडम जो पूछे उसका सही सही जवाब देना। सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं इनके पास आया ना तो इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। गेस कर तूने क्या किया? पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है तूने? बेवकूफ नहीं बनाया उसका, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। मुझे विश्वास कीजिए सर, मेरा विश्वास कीजिए, वो कंकाल मेरा है सर। आज से 50 साल पहले सर एक खून हुआ था, मेरा खून हुआ था सर।
पिछले जन्म में मेरा खून हुआ था सर, सर उस कातिल को पकड़िए सर, उस कातिल को पकड़वाना है मुझे, उस कातिल को पकड़िए सर, सर आप पुलिस में ना सर, सर आज क्या मुझे इंसाफ चाहिए सर, मैं इससे सालों का अब नहीं रुक सकता हूँ सर, मुझे आज क्या इंसाफ चाहिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर, सुनिए सर, ऐसा नहीं जा सकते मैडम, प्लीज मेरी बात सुन, मेरा विश्वास कीजिए मैडम, मैडम मेरा कत्ल हुआ था, ऐसा कैसे जा सकते हैं आप, आपकी ड्यूटी है, मेरा खून हुआ था सर, आप नहीं दिलाए। विक्रांत एक मिनट मेरी बात, ज्यादा एक मिनट। यस सर। नो आदिति, ना का मतलब समझती हो तुम? विक्रांत एक बार मेरी बात सुन तो ना। अरे क्या सुन लूं? अरे सीरियस उस पागल की बात सुन लो। कोई भी आदमी कब्र से कंकाल ढूंढ कर लाएगा और बोलेगा ये मैं हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और तुम मान लोगी? What nonsense। विक्रांत भले ही अजीत पागल हो जैसी बात कर रहा हो, पर एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे के तो देखे, उसकी फैमिली से बात करते हैं, अगर उन्होंने मान लिया कि उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो ठीक है ना, केस क्लोज। सर हमारे फैमिली से आज तक किसी ने भी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा, इनको छोड़ तो देंगे ना? कुसुम जी आप टेंशन मत लीजिए, हमें ये बताइए आपके पति इतना अजीबोगरीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये कई दिनों से हो रहा है। अजीत का मानना है कि वो अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक दिन उन्होंने एक टेलीफोन नंबर कहीं से ढूंढ निकाला और कॉल लगा दिया। हेलो, जतिन सबरवाल जी से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। राम प्रसाद, चलिए उनकी 25 साल पहले डेथ हो गई। 25 साल पहले डेथ हो गई उनकी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बेटा अनिकेत बोल रहा हूँ। अनिकेत, अरे बेटा मैं राम प्रसाद सैनी अंकल, पहचाना मुझे? बेटा वो मुझे उनसे माफी मांगनी थी बेटा। किस लिए? मैं जब काशीराम एंड सन्स में उनके पास काम करता था तो मैंने चोरी की थी बेटा, और चोरी करके अपना बिजनेस शुरू किया था मैंने, बस उसी का पछतावा हो रहा है बेटा, मुझे उसी का पछतावा हो रहा है बेटा। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने पिछले जन्म में चोरी की थी उनकी दुकान में बेटा। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक, मजाक लग रहा है आपको? अरे मैं पछता रहा हूँ और आपको मजाक लग रहा है? अनिकेत मैं पछता रहा हूँ इस जन्म में, मुझे तकलीफ होती है, पागल हो गया हो क्या? पछता रहा हूँ मैं, पछता। लाइफ में कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलने वाले अजीत अपने पिछले जन्म की गलतियों को लेके सॉरी बोल रहे थे, सामने वाला उनको गालियां दे रहा था फिर भी चुप थे। शुरू में हमको ये बदलाव ठीक लगा, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन एक दिन वो किसी और के घर मुझे लेके गए। किसके घर? यहाँ क्यों गाड़ी रोकी? सब बताओ, ये कहाँ लेके आए हो अजीत? तो मेरे साथ जल्दी आओ। अरे लेकिन ये कौन सी जगह है अजीत? अजीत ये तुम कहाँ लेके आए हो मुझे, और ये घर किसका है? अजीत ये किसका घर है? ये अपना ही घर है, आओ मेरे साथ, ये देखो सैनी निवास। अरे ये जो घर है ना, ये मेरे पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी घर? लेकिन आपका पूछते नहीं है, कौन है आप लोग? सब बता दो जरा। अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप मेरे घर में, बाहर निकलिए। भाई क्या पूछते नहीं मकान, पूछते नहीं मकान चला रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने खुशी के मारे बोल दिया कि ये मेरा पूछते नहीं घर है, वैसे भी पिछले जन्म में ये मेरा ही घर था। अरे आप राम प्रसाद सैनी के कौन हो? राम प्रसाद सैनी हमारे दादाजी हैं, लेकिन आपको इससे मतलब? आप बाहर निकलिए। अरे मतलब, मतलब कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ? क्या ये बदलती है, धक्के देके बाहर निकालना पड़ेगा। छोड़ो, एकदम चुप, तभी नहीं है मैं उसे बात करने की, अब क्या अपने बच्चे से भी नहीं मिलूं मैं। मिट्टू कहाँ है, कहाँ है मिट्टू? अजीत, अजीत मिट्टू, मिट्टू
सुनो तो। देखिए बहन जी, बहन जी देखिए, ठीक नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरा बेटा ही है, मैं खिलाऊंगा मेरे बेटे को। बिट्टू, उन्होंने हमारी बात पे विश्वास नहीं किया, हमको घर से बाहर निकाल दिया। घर में अजीत का बर्ताव क्या बताऊं मैं आपको। आप आइए मेरे साथ। आइए देखिए क्या हालत करके रख दी है इस कमरे की। उनका रहन सहन, खाने पीने की चीजें, कपड़े पहनने का ढंग, सब में बदलाव आ गया है। पहले अच्छे खासे फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते थे, अब कुर्ता पैजामा पहनते हैं। हमेशा बेड पे सोने वाले, ये देखिए यहाँ इस कमरे में जमीन पे सोते हैं। दिन भर इस कमरे में खुद को बंद करके रखते हैं। और खाने पीने में मीठा छोड़ दिया है उन्होंने। कहते हैं कि पिछले जन्म में राम प्रसाद को डायबिटीज था, तो अब मीठा नहीं खाऊंगा। और तो एक दिन कहीं से एक चश्मा उठा के लेके आए और पहनना शुरू कर दिया, जबकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर नहीं है उनकी आंखों को। अजीत, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? एसी फैन क्यों नहीं चला लेते? पूरा पसीना पसीना हो गए हो। उस जमाने में एसी फैन नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में मतलब? अच्छा ये चाय पी लो। अजीत चाय लाई हूँ। मांगना चाहती हो मुझे? तुम भी मांगना चाहती हो मुझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, हमें 5 मिनट दीजिए। अदिति, आदमी ने अपना पूरा जहन इन दीवारों पर उतार दिया है और हर जगह के मिसिंग लोगों के आर्टिकल्स भी कलेक्ट करके रखे। ये डायरी उनकी है? जी हाँ। डायरी में भी ऐसा ही सब कुछ लिखा हुआ है, उसके हर दिन और हर पल का डिस्क्रिप्शन। ड्राइंग किस चीज की है? हर जगह पे वही है? पता नहीं मुझे, लेकिन ये भी उन्होंने बनाई है। आपने उन्हें किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि नींद की कमी की वजह से या मेंटल स्ट्रेस में पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। नींद की गोलियां भी प्रिस्क्राइब की थी उन्होंने, रोज नींद की गोली लेते थे, लेकिन कल रात नींद की गोली नहीं ली और अचानक रात को उठ के पता नहीं कहाँ चले गए। आज सुबह पता चला वो लॉकअप में है। देखिए रोने से क्या होगा, बी स्ट्रॉन्ग, और हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। अब कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन, अजीत को छुड़ाने। इसका मतलब है अब तुम्हें भी लगता है कि वो पुनर्जन्म का शिकार? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्लियरली उसे पागलपन का दौरा पड़ा है और वैसे भी कल रात से लॉकअप में पड़ा है बिना एफआईआर के। उसे बाहर निकाल कर समझा बुझा के अपनी फैमिली के पास भेज देंगे, राइट? ठीक है। उस पागल को तो वार्न करके छोड़ दिया, वरना हम सबको पागल कर देता। वो जेल में इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाकी के कैदी भी डर गए थे, और वो एक ही बात बोल रहा था कि मेरे कातिल को ढूंढो, मेरे कातिल को ढूंढो।
और अपनी कंकाल यहीं पर छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे दे दो, लेकिन मैंने नहीं दी। पता चला किसी और पुलिस स्टेशन में लेके पहुंच जाए। लेकिन सर इसका क्या करेंगे? विरार चौकी से कोई खबर? हाँ मैडम, विरार और आजू बाजू के पुलिस थानों में फोन करके पता करवाया, लेकिन कोई खबर डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो अजीत को वो कंकाल मिला कहाँ से? एक काम कीजिए, विरार में जिस इलाके का अजीत जिक्र कर रहा है वहां पर अपने आदमी भेजिए और पता कीजिए कि उसे वो कंकाल वहां से मिला था या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एविडेंस है, इसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजिए। और उनको बोलो जैसे ही रिपोर्ट रेडी हो जाए मुझे फोन करें। मैं कुसुम से बात करूँ। हाँ कुसुम, अजीत पहुंचा घर पर? घबराओ मत, अभी अभी पुलिस चौकी से निकला है, आता ही होगा घर पर। कहीं फिर से तो नहीं निकल पड़ा किसी की कब्र खोदने? पता नहीं, जादव की बातों से तो यही लग रहा है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिल की तलाश में है। और पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रहा है कि हमारा अगला क्लू कहीं ना कहीं इस एड्रेस से जुड़ा है। ये फोटो मैंने अजीत की डायरी से ली थी। पिछले जन्म का मर्डरर? रुक, 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 बाहर निकल, निकल बाहर, कौन दरवाजा? कौन है मैं? तू? हाँ? क्यों तोड़ा कार्ड तूने मेरा? क्यों कार्ड तोड़ा? कौन है तू? योगराज श्रीवास्तव का बेटा है ना तू? योगराज श्रीवास्तव का बेटा है ना तू? लेकिन तू इतनी बदतमीज से बात क्यों कर रहा है? तमीज से बात कर। तमीज सही है, तमीज चाहिए तुझे जो तेरे बाप ने मेरे साथ किया। बाप का नाम लेता है तू? मेरे बाप का नाम लेगा? बाप का नाम लेगा? जान से मार डालूंगा। बाप का नाम लेगा मेरा? मेरे बाप का नाम लेगा? मेरे बाप का नाम लेगा? छोड़ उसे, छोड़, मार दोगे उसे, पागल हो गया। देखो उसने क्या किया मेरी गाड़ी का। ए, क्यों किया ये सब? बाबा जी मुझे दृश्य दिखा दिया है। बाबा जी? कौन बाबा जी? तू चुप कर, चुप कर तू। बाबा जी ने मुझे दृश्य दिखा दिया कि 50 साल पहले इसके बाप ने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे घर बनाने के लिए। मेरे बाप ने 50 साल पहले? मैं तेरी उम्र क्या है? उस समय तो तू पैदा भी नहीं हुआ होगा। चुप कर। आपको तो पता है ना कि मैं राम प्रसाद हूँ, तो बताइए ना इससे, बताइए ना कि मैं राम प्रसाद हूँ। क्या सच बोल रहे? आप जानते हैं इस लोन के बारे में? आप लोग कौन है? पुलिस। पुलिस? अब बताइए, आपके पिताजी की किसी रामप्रसाद सैनी नाम के आदमी से कोई लेन देन थी? हाँ ये बात सच है, मेरे पिताजी ने सैनी अंकल से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक कहीं चले गए थे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जब वो वापस आएंगे तो लौटा देंगे। कैसे लौटा था? तेरे बाप ने मुझे मार दिया था पैसों के लिए, इसने कबूल कर लिया ना? कबूल कर लिया तो पकड़ो इसे, मुझे आज ही इंसाफ चाहिए। अरे ये आदमी पागल हो गया, देख रहे हैं आप, एक तो मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, ऊपर से मेरे बाप पे इल्जाम लगा रहा है। इसे ले आके जेल में डलवा दीजिए सर, नहीं तो इसको मैं। देखिए आप शांत हो जाइए, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसके घर वालों से बात करके मैं आपको कॉम्पेंसेशन दिलवा दूं। कुसुम दरवाजा खोलो, आप लोग को उसको पकड़ना चाहिए तो आप लोग ने मुझे पकड़ के लाया। अजीत ऐसा थोड़ी चलता है। अजीत कंप्लेन करने चौकी गया था तो पकड़ के मुझे लॉकअप में डाल दिया। ये है भास्कर की पुलिस। ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो अजीत? तुम मैंने बताया था ना आपको इनके गुस्से के बारे में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इन्हें सही सलामत घर लेके आए। कुसुम जी आपसे एक बात पूछनी थी, आपके पति किसी बाबा जी का नाम ले रहे थे, कौन है ये बाबा जी? जी अजीत को बहुत गुस्सा आता था, अक्सर मुझ पे और इस पे गुस्सा निकाला करते थे। तो हमारे पड़ोसी है त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा था कि हम शंभू बाबा जी से जाके मिले। शंभू बाबा जी? जी। मगर उनका गुस्से को कम करने से क्या लेना देना? त्रिवेदी जी ने कहा था कि आपके लाइफ में जो भी समस्या है शंभू बाबा जी के पास हर समस्या का समाधान है, और अजीत उनकी बात कभी नहीं टालता है, तो ये बाबा जी से मिलने चले गए थे। गौर किया? उस कार वाले आदमी ने यही कहा था रामप्रसाद सैनी। हाँ अब तो इस बाबा से मिलना ही पड़ेगा,
जिसने अजीत के दिमाग में इस राम प्रसाद का भूत डाला है। हमारी कठिनाई शारीरिक और मानसिक समस्या का कारण हमारे पिछले जन्मों के पाप से जुड़ा होता है। तुम अपने पिछले जन्म में गुजरात के एक नामी व्यापारी धीरज सावला थे। अहमदाबाद से बड़ौदा अपनी गाड़ी से जा रहे थे और तुम्हारा पीछा एक पुलिस की गाड़ी कर रही थी और उससे बचने के लिए तुम गाड़ी तेज चला रहे थे और अचानक तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम घायल हो गए और फिर तुम्हारी मौत हो गई। इसलिए इस जन्म में भी तुम पुलिस से डरते हो। हाँ, मुझे सब दिख रहा है। मेरी मौत तकरीबन मई 1964 में हुई थी ना, और मैं ड्रग्स का व्यापार करता था। शायद इसलिए इस जन्म में मैं ड्रग डीलर्स को पकड़ता हूँ। पकड़ता मतलब? पता है इस केस के बारे में इस जन्म में मैंने कब पढ़ा? जब मेरी पुलिस में भर्ती हुई। चलो बता, धीरज सावरा की इन्फॉर्मेशन तुझे कहाँ से मिली? मुझे पता है तू अपनी ये दुकान कैसे चलाता है। मरे हुए और गुमशुदा लोगों की इन्फॉर्मेशन लेकर अपने भक्तों में बांटता है ना? देखो, मैंने सचमुच ज्योतिष विद्या सीखी है, लेकिन ज्योतिष से ज्यादा लोगों को अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा होती है, इसलिए मैं उन्हें ऐसे मरे हुए लोगों के बारे में जानकारी देता हूँ। उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, बस। अच्छा, तो तू समाज सेवा करता है, फीस नहीं चार्ज करता। ऐसी तेरी कहानी सुनकर वो अजीत गुसेन तेरे झूठ को सच समझ बैठा है और पूरे शहर में रामप्रसाद सैनी बनकर घूम रहा है। रामप्रसाद सैनी की कहानी बताई थी ना तूने उसे? रामप्रसाद सैनी? नहीं नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैंने तुझे किसी साहब, मैंने तुझे शांति देवी के बारे में बताया था। ये अजीत गुसेन पागल है। जब भी वो वेश्यीकरण में चला जाता है, कुछ भी अपने आप बड़बड़ाता है। आज भी जब वो पुलिस स्टेशन छोड़ के मेरे पास यहाँ आया था, तो मैंने उसे कहा मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। साहब वो पागल है, आप मेरा यकीन मानिए साहब, यही सच है। सच क्या है झूठ क्या है वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन अगर तूने अपनी ये दुकान बंद नहीं की ना, तो ये पूरा जन्म बेटा तू जेल में काटेगा। ठीक है साहब। इस बाबा ने हिप्नोसिस के वक्त अजीत को किसी शांति देवी की फेक स्टोरी बताई थी, लेकिन ये तो शहर भर रामप्रसाद सैनी बनकर घूम रहा है। पता ये लगाना पड़ेगा कि रामप्रसाद सैनी नाम का कोई आदमी है भी, या फिर ये अजीत का भ्रम है। हिप्नोसिस से तो रिप्रेस मेमोरी सरफेस होती है या नई मेमोरी इम्प्लांट की जाती है, बट एक केस ऐसा भी हुआ है जहाँ पे एक औरत को हिप्नोसिस के दौरान तो उसकी 86 पास्ट लाइफ आ रही। तो हो सकता है कि अजीत को सच में उसके पिछले जन्म की याद आ गई और इसीलिए वो अपने आप को रामप्रसाद सैनी कह रहा है। और रही बात कि रामप्रसाद सैनी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अजीत ने वाकई में कोई मर्डर किया हो और उससे बचने के लिए अजीत, उसकी बीवी, ये बाबा, ये सब नाटक कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम उस त्रिवेदी से जाके मिलो, मैं तब तक अजीत के घर का एक चक्कर काटता हूँ। ठीक है। अजीत से थोड़ी बात करनी है। वो घर पे आए तो थे सर, लेकिन कब्र से पैसे और गहने लेके पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने बहुत पूछा लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने, रोकने की भी कोशिश की तो मुझे बोला कि अगर मेरा पीछा किया तो मेरा मरामो देखोगी। सर मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें हो क्या गया है। हाँ जादव। अच्छा सुन, अजीत गुसेन अपने घर से लापता है। एक काम कर, इमीडिएटली उसके जो फोटोज है वो अपने इन्फॉर्मर्स में सर्कुलेट कर, और जैसे ही उसका पता चले मुझे इन्फॉर्म कर देना। और याद रखना, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बाबा जी, क्या कर रहे हो? चले जाए यहाँ से, तुम्हारी वजह से पुलिस मुझे पकड़ लेती। अरे पुलिस को मारो गोली,
बाबा जी मेरी बात समझो, मेरी हालत को समझो आप। प्लीज बाबा जी मुझे और थोड़ा दृश्य दिखा दीजिए बाबा जी। नहीं नहीं मैं फंस जाऊंगा बाबा जी, ये सब सब आपके लिए, ये भी। ठीक है लेकिन आखिरी बार बाबा जी मुझे सिर्फ ये दिखा दीजिए कि पिछले जन्म में मुझे मारा किसने था बाबा जी। तुम गहरी नींद में जा रहे हो, गहरी नींद में जा रहे हो। अब तुम अपने पिछले जन्म में पहुंच चुके हो। जिस सवाल का तुम जवाब ढूंढ रहे हो उस सवाल पे ध्यान दो। क्या है जवाब, क्या है जवाब? निको मारा, मैं तेरा बाप हूं। बहुत जी लिया तुमने, अब मेरी बारी है। तू बच नहीं पाएगा, मैं वापस आऊंगा, मैं फिर मारूंगा तुझे। मारा मारा मेरे त्रिवेदी जी, आपने अजीत को शंभू बाबा जी के बारे में क्यों सजेस्ट किया? देखिए बात यह है कि शंभू बाबा जी से मिलके मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी मिली और मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाया और फिर मुझे सुकून सा मिला और इसकी वजह से मेरे और मेरे भाई साहब के बीच में जो मन मुटाव थे वो भी दूर हो गए। अजीत मेरे बेटे की तरह है और कुसुम बिटिया हमेशा उसके गुस्से के बारे में मुझसे शिकायत करती रहती थी, इसलिए मैंने उसे शंभू बाबा जी से मिलने की सलाह दी। उसका बर्ताव ऑलरेडी वायलेंट हो चुका है और जब तक वो अपने पुनर्जन्म का सच नहीं जान लेता वो रुकने वाला नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही सीरियस इंसान है। मतलब ये कि अगर वो कह रहा है कि वो पिछले जन्म में राम प्रसाद सैनी था तो वो इस बात को मानता है। क्या हुआ? त्रिवेदी जी भी यही कह रहे हैं कि अजीत जो कह रहा है वो सच है। अच्छा मतलब त्रिवेदी जी को भी बिल्कुल तुम्हारी तरह यही लगता है कि अजीत का पुनर्जन्म हुआ है और वो वाकई राम प्रसाद है। बाय द वे जादव का फोन आया था, अजीत अपने घर से लापता था, मिल गया है, उसे घर लेकर गए तो चले। अब उनका हाल कैसा? जब पुलिस वाले उनको ढूंढ के घर पर लेके आए ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत परेशान थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, बार बार किसी का नाम ले रहे थे और बोल रहे थे कि उनको उनका असली कातिल पता चल गया है। किसका नाम ले रहे थे? किसी श्याम प्रसाद का नाम ले रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। आइए ना। देखिए कब से ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत दिनों से नींद ना मिलने का नतीजा है, नींद की दवाई देके सुलाया उनको जबरदस्त। आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा आराम करेंगे तो हिल बी फाइन। शैतान चौकी। ये तो शैतान चौकी का नाम ले रहा है। शैतान चौकी। मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट, राम प्रसाद सैनी, उम्र 45 साल और कंप्लेन फाइल की है श्याम प्रसाद सैनी उनका बेटा। आ दो क्या लिखा है रिपोर्ट में? ठीक है वो स्केलेटन 50 साल पुराना है,
और एक मिडिल एज्ड आदमी का है। स्कल पर एक क्रैक है, जैसे कि वो काफी ऊंचाई से सर के बल गिरा हो। That's what the report says. स्केलेटन 50 साल पुराना है, ये मिसिंग रिपोर्ट भी लगभग उसी टाइम की है, तो हो सकता है कि सच में वो स्केलेटन रामप्रसाद सैनी का है। पर विरार की जो लोकेशन अजीत बोल रहा था, अब तक ज्यादा को ना तो वो लोकेशन मिली है ना ही कोई रिसेंटली खुदा हुआ गड्ढा मिला। सो व्हाट नेक्स्ट? इस रामप्रसाद सैनी के घर वालों से बात करनी पड़ेगी, पता तो चले आखिर ये लापता हुआ कैसे और क्यों। जी आप लोग कौन? पुलिस। जी बताइए। रामप्रसाद सैनी साहब के बारे में थोड़ी पूछताछ करनी थी, अंदर आ सकते? हाँ आइए प्लीज। रामप्रसाद जी आपके क्या लगते थे? जी रामप्रसाद जी हमारे दादाजी थे, अब तक तो लगभग 100 साल के आसपास होंगे वो। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। पता नहीं मतलब? सर काफी साल पहले वो लापता हो गए थे, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई और काफी ढूंढा उनको, पर वो मिले नहीं। और धीरे धीरे समय के साथ साथ हम लोग इस घटना को भूल गए। कोई आदमी आया था यहाँ पर उनके बारे में पूछते हुए? हाँ सर एक आदमी आया था, वो बड़ा अजीब तरीके का व्यवहार कर रहा था, अचानक हमारे घर में घुस गया और चिल्लाने लगा मैं रामप्रसाद हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ये मेरा घर है। उसने परेशान कर दिया था हम लोग को। और रामप्रसाद जी के बेटे श्याम प्रसाद के बारे में क्या बता सकते हैं? सर श्याम प्रसाद जी हमारे ताऊजी हैं, सालों पहले जब जायदाद का बंटवारा हुआ तो वो अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चले गए थे। उनका पुराना पता है मेरे पास, लेकिन ये नहीं मालूम कि अब उस पते पे वो रहते हैं या नहीं। आप बोले तो मैं उनका पता दूं आपको। नहीं नहीं एक मिनट, रामप्रसाद जी और श्याम प्रसाद जी में संबंध कैसे थे? ताऊ जी और दादाजी में संबंध तो वैसे ठीक ही थे, इनफैक्ट जब दादाजी लापता हुए तो सबसे ज्यादा परेशान ताऊ जी थे। उनके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में ताऊ जी ने लिखवाई थी। पापा क्या हुआ? पापा आप ठीक तो हैं? ये मेरे पापा हैं, इनका राइट साइड पैरालाइज्ड हो गया है, इसलिए ये बोल नहीं सकते पर सुन और समझ सकते हैं। तो ये इस घंटी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? एक बार अगर रिंग करते हैं तो इट मींस यस। मगर अभी तो इन्होंने कई बार घंटी बजाई थी विक्रांत, इसका मतलब है ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके भाई श्याम प्रसाद और राम प्रसाद जी में कुछ अनबन थी, किस चीज को लेकर? जायदाद की वजह से या उनमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम? जायदाद की वजह से। क्या आपको लगता है कि शायद आपके भाई ने ही आपके पिताजी को? श्याम प्रसाद सैनी का घर यही है जी? हाँ मैं उनकी पत्नी को बोली। हम उनसे मिल सकते हैं? जी नहीं, एक साल पहले ही हार्ट अटैक से वो चल बस रहे। पर आपको कोई तो आइडिया होगा ना कि पुलिस आपके पति को ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आई? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। पर मैंने तो बताया नहीं हम किस बारे में पूछने आए हैं, आप इतना डर क्यों रही हैं? हम राम प्रसाद सैनी जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ससुर जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए आप घबराइए मत, हम आपके ससुर जी के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी और केस के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको कुछ भी पता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी। प्रसाद सैनी की मौत के बारे में अगर कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बताइए, किसी की जिंदगी का सवाल है।
मेरे पति ने ही ससुर जी को मारा था। मैं जानती थी मेरे पति को कोई चीज खाई जा रही है। मैंने कई बार पूछने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने कभी नहीं बताया। मरने से पहले कहने लगे दिल हल्का करना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने पिताजी को कत्ल कर दिया। अजीत कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ जरा। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी सब ठीक है। मुझे पता है कुसुम, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया इन दिनों, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या थी। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। आता हूँ। अब अजीत को शायद तसल्ली मिले सुन के कि श्याम प्रसाद सैनी मर चुका है। तुम्हें लगता है ऐसे? मुझे डर है कि अजीत ने अपनी खुद की एक अलग दुनिया बना ली है, जिसमें उसका एक खुद का एक अलग सच है, एक लॉजिक है, और वो शायद ही उससे निकल पाए। हाँ कुसुम बोलो। मैडम अजीत मेरे बेटे को पता नहीं कहाँ लेके गए हैं और बोल रहे थे कि हार्दिक उनकी मौत का कारण है। क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम, कुछ कीजिए। क्या हुआ? अजीत अपने बेटे को लेके कहीं निकल गया और कुसुम बहुत अपसेट है। उसने बताया कहाँ गया? नहीं बताया तो नहीं, पर शायद वो उसे वहां तो नहीं लेके गया जहाँ से उसे वो कंकाल मिला था। याद है तुम्हें जब हम अजीत के घर पे गए थे तो उसके रूम में हर जगह वो ब्रिज की ड्रॉइंग्स थी। फिरार? हाँ, वैसे भी उसका मानना था कि पिछले जन्म में उसके बेटे ने उसे वहीं मारा था, तो शायद वो अपना अतीत दोहराने के लिए हार्दिक को वहीं ले गया होगा। हार्दिक की जान खतरे में। मैंने कहा था ना मैं लौट के आऊंगा, तो तूने क्या कहा था? मैं तुम्हें मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे, बच्चा है। ये वही बच्चा है जिसने मुझे मारा था पिछले जन्म में, और इस जन्म में फिर मार देगा मुझे। बकवास कर रहे हो अजीत? बकवास नहीं कर रहा, पिछाड़ फेंक दूंगा। इसने मुझे चुनौती दी थी, पिछले जन्म में, और इस जन्म में मैं जीतूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये खेल है कोई अर्जित की बात करने के लिए? ये बेटा है तुम्हारा, फॉर गॉड्स सेक, जीता जागता खड़ा है तुम्हारे सामने। और जिस शाम प्रसाद की तुम बात कर रहे हो ना, वो हार्दिक नहीं है, वो पिछले साल ही मर गया। और मरते वक्त उसने अपना गुनाह भी कबूल किया था कि उसी ने अपने पिता राम प्रसाद को मारा। अब भूल जाओ, तुम राम प्रसाद नहीं अजीत हुसैन हो। अपने अतीत के लिए अपने आज को मार दोगे? अपने अतीत के लिए मैं आज को बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा इसे। देखो ये तुम्हारे इस जन्म का बेटा है अजीत, इसे मारकर तुम सिर्फ अपने आप के लिए एक नया डरावना भविष्य खड़ा कर रहे हो, और कुछ नहीं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? और क्या होगा ये सब कुछ करके? इस मासूम बच्चे को मारकर क्या तुम बच जाओगे, सुकून की जिंदगी जी पाओगे?
जेल नहीं जाओगे तुम? अजीत छोड़ दो इसे, नीचे उतारो, लाओ इसे यहाँ पे। वो पकड़ा गया, वो मर गया है। लाओ बच्चे को यहाँ पे दो। संभाल के मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ। तुम बच्चे को संभालो, मैं आ रहा। पागल हो गए तुम? अजीत, अजीत का डर सही निकला। इन अ वे उसकी डेथ के लिए उसका बेटा ही जिम्मेदार निकला, भले वो इस जन्म का बेटा क्यों ना। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। अजीत साइकोलॉजिकली इतना डरा हुआ था कि उसने हालात ही कुछ ऐसा पैदा कर लिए कि जिन चीजों से वो बचना चाहता था उन्हीं से उसकी मौत हुई। अगर वो आज इस बच्चे को उस ब्रिज पर ना लेकर आता, क्या ये सब होता? मगर 50 साल पुराने हादसे का फिर से दौरा, वो स्केलेटन का मिलना, इन सारे सवालों के जवाब हैं आपके पास शर्लॉक। अगर आज हम अजीत को बचा लेते तो शायद उसे साइकेट्रिक थेरेपी देने के बाद इस केस की काफी सारी कड़ियां खुलती हैं। लेकिन अब इन सवालों के जवाब तो अजीत अपने साथ ही लेकर गया। पता है मैं ऐसे कितने लोगों से मिली हूँ जो अपने इस जन्म की गलतियों को सुधारने या अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, पर एक्चुअली में तो पास्ट लाइफ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि हम अपने इस जन्म के दर्द और गलत डिसीजन को अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो राम प्रसाद सैनी हो या अजीत गुसैन, वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने फ्यूचर को सुधारने की, उनके साथ हर बार यही अंजाम होगा। In that case, I just hope कि वो अगले जन्म में फिर से उस परम पूज्य शंभू बाबा जी के पास न जाए। अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए।